नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जैम में। क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक एयरक्राफ्ट का लाइफ स्पैन या उसकी लाइफ साइकिल या उसकी लाइफ कितनी होती है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। जनरली आदमी यही सोचेगा कि एक एयरक्राफ्ट की लाइफ उसके इंजन पर डिपेंड करती है या नंबर ऑफ फ्लाइट जितनी वो करता है उस पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एयरक्राफ्ट का लाइफ स्पैन उसके नंबर ऑफ प्रेशराइज्ड साइकिल्स पर डिपेंड करता है। अब ये नंबर ऑफ प्रेशराइज्ड साइकिल क्या होता है? जब भी एयरक्राफ्ट किसी फ्लाइट के लिए तैयार किया जाता है तो उसका केबिन या उसका फ्यूजलाज को बंद करके उसके केबिन को प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि जब हम हाई अल्टीट्यूड पर फ्लाइट करेंगे तो हमको वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए जिसपे हम नॉर्मली सर्वाइव करते हैं। तो उसे केबिन को प्रेशराइज करते हैं, और जितनी बार ये केबिन प्रेशराइज होता है उतनी बार उस एयरक्राफ्ट की लाइफ कम होती जाती है। सो नॉर्मल प्रेशराइज साइकिल होती हैं अबाउट 75,000 प्रेशराइज साइकिल्स। सो अगर एक एयरक्राफ्ट छोटी फ्लाइट कर रहा है तो उसको लॉस है, और इसलिए बड़े एयरक्राफ्ट जो लंबी फ्लाइट करते हैं वो ज़्यादा लाइफ स्पैन कवर कर पाते हैं।